हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए और मैं भी सही हूँ। काफ़ी अच्छी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट आई हुई है, आज आई हुई है, सीवी सिलेक्शन है और इसमें जो सैलरी लगाई है वो काफ़ी अच्छी लगाई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं जॉब के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। तो जो हमारे पास में है आज सीबी सिलेक्शन है, आप इसमें काफ़ी अच्छी जो रिक्वायरमेंट है इसमें हर ही कैटेगरी की है। जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, कोई सी भी प्रोफाइल हो और इंशाल्लाह के सभी की प्रोफाइल से मैच करती है इसमें जॉब है। मैं कोशिश करूँगा, बाकी इसमें लगभग तकरीबन 18-20 कैटेगरीज हैं, मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। वीडियो के साथ में बने रहिएगा और अगर आपकी कैटेगरी से कोई भी आपकी प्रोफाइल से मैच करती कोई भी इसमें जॉब है तो ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि ऐसा है सीबी सिलेक्शन है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी आपकी लग जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, और पहले से ही आपने सब्सक्राइब कर रखा हमारे चैनल तो आपको इन फ्यूचर जो मैं वीडियो डालूंगा, अगर इसमें ना नहीं हो आपकी प्रोफाइल से मैच करती जॉब, तो इन फ्यूचर जो भी वीडियो डालूंगा आप उसे देख के इंशाल्लाह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को आगे शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चलिए फिर वीडियो जॉब शुरू से करें। रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को तो हमारे प्रेस पास में करें। जो वो है कुवैत से रिक्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो आपका लगभग 18-20 कैटेगरीज हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, जो हमें ज़रूरत है वो है सिविल इंजीनियर, ठीक है ना। जो हाई कैटेगरी के बंदे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्हीं के प्रोफाइल से मैच करती कुछ वैकेंसी इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ज़रूरत है वह है मैं सिविल इंजीनियर की, और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी लगाई गई है। सिविल इंजीनियर की जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 550 से 600 KD के दरमियान, ठीक है ना। लेकिन इसमें सीवी सिलेक्शन है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपकी सीवी मेंशन की हुई हो, अपडेट हुआ भी हो, बाकी अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हमें फॉरवर्ड करिएगा, ठीक है। उसके बाद में जो ज़रूरत है वो है सेफ्टी इंजीनियर, ठीक है। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी, आप सिविल इंजीनियर में हमें 7 बंदे चाहिए, सेफ्टी इंजीनियर में हमें 8 बंदे चाहिए। इसमें जो आपकी 500 से 550 के बीच में दरमियान आपकी सैलरी रहेगी, वो आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी वहाँ पे। उसके बाद में चाहिए इलेक्ट्रीशियन, ठीक है ना, 20 बंदे चाहिएंगे इलेक्ट्रीशियन में, इनकी जो सैलरी रहेगी 150 से 170 KD के दरमियान रहेगी, ठीक है। उसके बाद में चाहिए वेल्डर, वेल्डर की जो सैलरी रहेगी 20 बंदे चाहिएंगे, 150 से 170 KD के दरमियान रहेगी। उसके बाद में जो चाहिए वो चाहिए हैवी ड्राइवर, ठीक है ना, हैवी ड्राइवर चाहिए, 17 बंदे चाहिए। उसमें जो सैलरी आपकी रहेगी 200 से 250 के दरमियान रहेगी, ठीक है ना, 200 KD से 200 KD से 250 KD के दरमियान रहेगी। और उसके बाद में है मार्बल फिक्सर, ठीक है ना, मार्बल फिक्सर है, इसमें 25 बंदे चाहिए, इसमें जो सैलरी रहेगी आपकी 170 से 200 KD के दरमियान रहेगी। उसके बाद में जो चाहिए हमें वो चाहिए कारपेंटर, ठीक है ना, कारपेंटर, पाइप फैब्रिकेटर, हैवी ड्राइवर, लाइट ड्राइवर, स्टोर कीपर, वॉल पेंटर, प्लम्बर, मेशन टेक्नीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, एसी मैकेनिक और इंडोर लेबर, ठीक है ना। तो सभी के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप जो बात करते हैं वो सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी मार्बल फिक्सर की जो सैलरी रहेगी 25 बंदे चाहिए, 170 से 200 के दरमियान रहेगी। उसके बाद में जो चाहिए गए वो चाहिए कारपेंटर, कारपेंटर की जो सैलरी रहेगी 30 बंदे चाहिए, 150 से 160 के दरमियान रहेगी। उसके बाद में जो चाहिए वो पाइप फैब्रिकेटर, ठीक है, इसमें जो चाहिए 20 बंदे चाहिए, इसमें जो सैलरी आपकी रहेगी वो रहेगी 150 से 160 KD के दरमियान। और इसके बाद में जो हैवी ड्राइवर 200 KD रही है, 200 बंदे, सॉरी 20 बंदे चाहिए, 180 से 250 के दरमियान आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद में लाइट ड्राइवर चाहिए 200 बंदे चाहिए, 20 20 बंदे चाहिए, सॉरी 20 बंदे चाहिए, 140 से 170 KD के दरमियान आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। उसके बाद में चाहिए स्टोर कीपर, इसमें 20 बंदे चाहिए, 130 से 150 के दरमियान आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद में जो चाहिए वॉल पेंटर चाहिए, उसकी जो सैलरी रहेगी 25 बंदे चाहिए, 140 से 150 के दरमियान आपकी सैलरी रहेगी। प्लम्बर 130 बंदे चाहिए, 140 से 160 के दरमियान। और उसके बाद में मेशन, उसके बाद में 40 बंदे चाहिए, 150 से 160 KD के दरमियान। उसके बाद में टेक्नीशियन 15 बंदे, 150 से 170 के दरमियान। उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड
20 बंदे चाहिए 140 से 170 के दरमियान, और उसके बाद मुझे चाहिए वो एसी मैकेनिक, ठीक है ना, एसी मैकेनिक 20 बंदे चाहिए 140 से 170 के दरमियान। उसके बाद में चाहिए इंडोर लेबर, ठीक है ना, 250 बंदे चाहिएंगे सबसे ज़्यादा, इसी में बंदे चाहिएंगे। इंडोर लेबर में बहुत सारे बंदे अप्लाई करने के लिए बोल रहे थे मेरे से, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी 100 KD से 110 KD के दरमियान रहेगी। ये सारी जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई, ये CV सिलेक्शन है। अगर आपकी प्रोफाइल से कोई भी इसमें जॉब मैच करती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। मुझे आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर भेजें, पासपोर्ट की दोनों साइड की स्कैन, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक अपना CV बना के अपडेट करके, जिस कैटेगरी में है आप उसी कैटेगरी में अपडेट करके आप भेजिएगा। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर आपका CV सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा आपका 2 ईयर्स रिन्यूअल वीज़ा रहेगा, ठीक है ना, 2 ईयर्स का रहेगा। कुवैत का वीज़ा रहेगा आपका ये, और वर्किंग आवर्स आपकी 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी, और वीक में आपको 6 दिन काम करना रहेगा, ठीक है। और उस फूड जो प्रोवाइड कर रही है वो प्रोवाइड कंपनी आपको फूड प्रोवाइड कर रही है, और उसके बाद में अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोवाइड कर रही है वो आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूँ, जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है वो ओवर टाइम रहा आपका, और जो रहा मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट जो रहेंगे आपके, इस पर कुवैत लोअर लग के हिसाब से जो सारी अन्य कंडीशन है वो आपको ज़रूर मिलेंगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ वो, ठीक है ना। आपका जब 1 साल वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, फ्री ज्वाइनिंग एंड फ्री, जब आपको 2 साल वहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी 1 साल बोला था मैंने, 2 साल जब आपको वहाँ जाएंगे, 2 साल का आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा इसका, 2 साल का आपका वीज़ा रहेगा, उसके बाद में आप रिन्यूअल भी करा सकते हैं। 2 साल जब आपको हो जाएंगे तो कंपनी आपको लीव देगी, वो 30 दिन का लीव देगी, ठीक है ना। कंपनी आपको टिकट भी निकाल के देगी, और एक महीना जब आप यहाँ रह के जाएंगे तो उसका सैलरी भी देगी कंपनी, दोनों तरफ का आपको टिकट निकाल के देगी, ठीक है। ये भी प्लस पॉइंट वाली बात है, क्यों बहुत सारी कंपनियाँ नहीं देती हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना CV उसी हिसाब से मेंशन कीजिए और अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई, अगर इनमें से कोई भी आपकी प्रोफाइल से मैच करती जॉब है तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी प्रोफाइल से इसमें जॉब मैच करती है तो ज़रूर अप्लाई करिएगा, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हो सकता है कि आपकी वजह से किसी बंदे को रोज़गार मिल जाए। और हमारे चैनल पर आप अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके रखें, इन फ्यूचर कभी भी मैं जो रिगार्डिंग वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।